हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आज राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है? नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है। वैसे मैंने राजनीतिक विज्ञान के 2 या 3 मॉडल पेपर पहले डाल चुका हूँ मैं। ठीक है? नहीं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, मॉडल पेपर डाल रखे हैं। ठीक है, 2 मॉडल पेपर मैंने करवा रखे हैं, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये मैंने एक और बना दिया है, तो इनको आपको कंफर्म करना है, पक्का करना है। ठीक है? और तो देख सकते हैं, जैसे ये अध्याय प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, इसको एक मान लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य संख्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में आपको मालूम है कितने सदस्य है दोस्तों, बताओ? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है ना, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी है, जिनको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। कुल मिलाकर 5 देश है जो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और भारत में संसदीय शासन पर आधारित खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया, तो ये आपको बताना कमेंट में। ठीक है, कि भारत में संसदीय शासन पर आधारित कौन सी यानी खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया। अब यहाँ ऑप्शन में यानी खालिस्तान में क्या भरना है वो आपको बताना है। और प्रथम विश्व युद्ध सन खालिस्तान से खालिस्तान तक चला था, अब ये भी आपको बताना है। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। ठीक हो, चलो। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों ध्यान रखना, आपको मालूम है, जैसे 1914 से चला था। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, और अगला देख सकते हैं कि रूस के 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद खालिस्तान अस्तित्व में आया। जब रूस में जब 1917 के अंदर रूसी क्रांति हुई थी, तो रूस की क्रांति की समाजवादी क्रांति के बाद कौन सा खालिस्तान अस्तित्व में आया, तो आपको मालूम है समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन हुआ। आगे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि नामदेव डसाल खालिस्तान भाषा के कवि, प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको मालूम है नामदेव डसाल जो है ये मराठी भाषा के प्रमुख क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है दोस्तों, और मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष खालिस्तान के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है, वीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर मंडल कमीशन इसे कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरे को यहाँ पर दूसरा मान लेना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपको मालूम, प्रणेता मतलब एक तरीके से संस्थापक कौन थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो दोस्तों आपको मालूम है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक थे। ठीक है, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकरेणो और गाना के वामे इनक्रुमा। ये 5 जो थे ये यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, एकदम प्रणेता थे। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। येल्सिन के नेतृत्व में रूस और बेलारूस जो है वो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर देते हैं। इसके आगे दे रखा है, सारक का पूरा नाम लिखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, और सारक की स्थापना कब होती है, 1985 में। और सारक का मुख्यालय जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। आगे दे रखा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। ठीक है, नहीं, जिसके तहत इंडिया जो है वो 2 कौमा का देश बताया गया, और ये कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था, तो ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आगे दे रखा है कि जो ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था, तो आपको मालूम है कि ग्रामीण जो महिलाएं थी उन्होंने शराब के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, आपको मालूम होगा, वो था दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन ये महिलाओं ने चलाया था।
और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? तो जब राजीव गांधी की जब मृत्यु हो जाती है तो 1989 के अंदर, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आ जाते हैं, वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह को चुन लेते हैं। और 2019 का जब 18वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो किस देश में हुआ? तो वो अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2019 वाला हो गया, 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ये तो हो गया, और अगला देख सकते हैं कि ब्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? जो ब्लादिमीर थे ये किस पार्टी के संस्थापक हैं वो आपको बताना है। और कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किनके गुणों के लिए प्रयुक्त होता है? तो किनके लिए प्रयुक्त होता है, सॉरी, किनके लिए प्रयुक्त किया गया है ये आपको बताना है। और बामसेब का पूर्ण नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाई और फेडरेशन, ये बामसेब का यानी पूरा नाम है, ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाई और फेडरेशन, बामसेब का पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कि व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, और कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? अपना नाम, अपना जिला, अपना राज्य लिखकर बताइए, यानी कमेंट में बताना है, और आंसर पूरा लिखे दोस्तों ताकि अगले को समझ में आ सके, जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें याद हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है कि व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, तो आपको लिखना है कि व्लादिमीर लेनिन खालिस्तान पार्टी के संस्थापक थे, जो भी है, ठीक है, वो आपको लिखना है इस तरीके से। और इससे आगे देखेंगे, अब आगे देख सकते हैं कि महाशक्तियाँ जो है वो छोटे देशों के साथ गठबंधन के दो कारण लिखी है। वैसे मैंने करवा रखे हैं बहुत सारे, फिर भी वापस आगे है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन के दो कारण लिखी है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है, कोई दो कारण बताओ। तो आपको मालूम है कि महाशक्तियाँ जो है, जैसे दो महाशक्तियाँ थी, एक तो यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस और अमेरिका, ये दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है? तो छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इन्हें महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त हो जाते थे, ठीक है, जैसे पेट्रोल नहीं है इनके पास, तो छोटे देशों से क्या पेट्रोल प्राप्त हो जाता था, एवं अन्य खनिज संसाधन बहुत सारे हैं वो प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण संसाधन लिख सकते हैं, और सैन्य सहायता यानी सैनिक सहायता मिल जाती थी, ठीक है, महाशक्तियाँ सैनिक सहायता से अपनी सेना का संचालन कर सकती थी, ठीक है। तो महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती, तो इसके दो कारण आपको लिखने हैं। और सोवियत संघ के विघटन के दो कारण के सोवियत संघ क्यों टूट गया? तो सोवियत संघ, देखो आपको मालूम है कि सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ यानी एक तरीके से यानी नष्ट हो गया, विघटन हो गया, समाप्त हो गया, है ना, 25 दिसंबर 1991 को। यानी जो येल्सिन है वो कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तीफा दे देते हैं, और रूस, यूक्रेन और बेलारूस इनके नेतृत्व में जो है वो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर देते हैं। अब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन क्यों करते, इसके पीछे कोई कारण तो होंगे। तो देखो सोवियत संघ के विघटन के पीछे कारण ये है कि इसमें यानी सोवियत संघ में लगातार एक ही पार्टी ने शासन किया था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। लगभग 72 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो जनता परेशान हो गई थी, ठीक है, और राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं भी कमज़ोर थी। ये आप लिख सकते हैं, इसमें दो बोला है तो दो कारण लिख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर बुरा शासन था, और वहाँ की जो सरकार है वो जनता को यानी जनता के कार्य, जनता की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ थी, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। तो यानी दो उदाहरण आपको, दो कारण बताने हैं आपको, कोई भी लिख सकते हैं। अगला है कि दक्षेस संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यीय देशों के नाम लिखिए। तो दक्षेस के 7 सदस्यीय नाम जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, कितने हो गए, मालदीव, बांग्लादेश, और कौन सा हो गया, और कौन सा बच गया, ये कुल मिलाकर हो गए 7,
ठीक है, तो 7 देशों के नाम लिखने हैं दक्षिण एशिया के। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट है वैसे, ठीक है, कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये कब बना। तो आपको मालूम है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, और पारित कब हुआ था, तो ये यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ था, 1956 में। बना कब, तो 1953 में, और पारित हो गया था 1956 में। आगे बोल रहा है दोस्तों कि इनकी सिफारिशें बताइए। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग में यह मान लिया गया है कि जितने भी जो राज्य है उनका जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होगा, ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य भी आपको लिखने हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने बताए हैं। वैसे मैंने डाल रखे हैं दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के मॉडल पेपर, डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन है इनको आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।